કે અમે લોકો ત્યાં શું કર્યું. તો હું અને મારા સાથે બે ગ્રુપ ડિવાઈડ થયા હતા, હું ધ્રુવ માસી બધા રહ્યા હતા. તો અમે લોકો છે ને બધાના ઘરે જઈને બધાને કીધું કે તમારા બોલ આતા હૈ વો બીચ મે આગે બોલતા હૈ કે ઉસકો ક્યા બનના હૈ એસે. ફિર પ્રાપ્તિ ને ગાના ગાયા, ફિર સબ લોગ ઇસકો અપના ટાઈમ આયેગા કરકે બુલા રહે થે. ઓર ફિર એસે હી હમને ઉનકે સાથ ઇતના કનેક્ટ કિયા. ફિર જબ ઉનકે સાથ કનેક્ટ કિયા, આસપાસ ઇનકે પેરેન્ટ્સ ભી થે. તો જબ હમ બચ્ચો કો ખિલા રહે થે તો હમારે સોરી દૂસરે પાર્ટિસિપેન્ટ જાકે પેરેન્ટ્સ કે સાથ કનેક્ટ કર રહે થે, ઉનકી સ્ટોરીઝ જાન રહે થે. તો ઉનહોને બાઇબલ સેશન ભી બહોત અચ્છા દિયા. સબ લોગ ટ્રેન બના કે હમારે પીછે આ ગયે ઓર વો હમ લોગ એક અલગ ચાલ મે ગયે થે. तो चाल के बाहर वो लोग ट्रेन बना के दौड़ने लगे बाय 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 करके. तो जब हम लोग उनके साथ कनेक्ट कर रहे थे तो मेरे को ये पता चला कि वो पूरे इस्लाम के बच्चे लोग कैसे हैं. देखो अब ये तो फैक्ट की बात है, सही बात है, तो मैं हिंदू ही में बता रहा हूँ. वहाँ एक बच्चे से मैंने बात की तो दो तीन बहुत सारे लोगों से बात की. तो एक अंकल ने तो ऐसा बोला कि बेटा अगर तुम दोपहर को यहाँ पर आओगे ना तो तुमको गालियों के सिवा बच्चों के मुँह से कुछ सुनने को नहीं मिलेगा. तो ऐसे में जब बच्चों से मिला, मैंने बच्चों से बात की तो एक लड़का ऐसा बोला कि मेरी माँ तो गांव गई है, वो रात को आएगी, मतलब वो जब तक नहीं आएगी मुझे नींद नहीं आएगी, ऐसा सब बोलने लगे. फिर मैं उनको पूछने लगा मतलब तुम लोग. फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये सिगरेट पीता है, ये चरस करता है, ऐसे बोलने लगे. तो मैंने ऐसे उनको समझाने की ट्राई की कि तुम लोग क्यों करते. और वो सब मेरी उम्र के 10th क्लास के बच्चे जो लारी पे मतलब लारी पे जाते हैं, काम भी करते हैं. फिर उसके वापस का जो पिता है वो घर पे आके पी के आता है डेली, उसकी मम्मी को मारता है, उसको मारता है, सब प्रॉब्लम्स थे उसके पास. स्टार्टिंग में तो सब बच्चे बोल रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर जब मैं उनके साथ डीपली कनेक्ट किया तो उन्होंने उनके प्रॉब्लम के बारे में मुझे बताया. मैंने उनको सोल्यूशन तो नहीं दिया लेकिन सोल्यूशन कैसे लाना है वो बताया. फिर हम जब दूसरे चार में गए और सारे ग्रुप से मिले तो वहाँ पे भी बहुत छोटे बच्चे थे, इन्होंने 8 to 9 ईयर ओल्ड, सब बैठ गए आस पास. अब एक वो लोग अभी कोई भी और खिला रहे हैं तो बोल रहे वंश बहन कब आएंगे, वंश बहन कब आएंगे ऐसे. तो मैं उनके साथ खेलने लगा तो मैंने सबको सर्कल में बिठाया और मैंने बोला तुम लोग तुम्हारे बारे में बताओ. तो सब बोलने लगे ये मुझे मारता है, ये चाकू ऐसे करता है, ये स्मोकिंग करता है, ये चरस करता है, सब बोलने लगे. तो मैंने उनको भी छोटे बच्चे 8 to 9 ईयर ओल्ड वाले बच्चे को भी समझाया. मैंने हाथ ऐसे रखा, बोले सब लोग हाथ रखो. सब लोगों ने हाथ रखा और शपथ ली और मैंने बोला, उन्होंने रिपीट किया कि आज से मैं किसी को मारूंगा नहीं, झगड़ा नहीं करूंगा, स्मोक नहीं करूंगा और गाली नहीं दूंगा. सबने शपथ ले ली. फिर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को गाली दी तो वो जो कहते थे ना वो सब बच्चों की गैंग का जो लीडर होता है उसने बोला भैया देखो इसने अपना शपथ तोड़ दिया. मतलब वो लोग भी चेंज होना चाहते हैं अगर उनको कोई अच्छा हाथ मिले तो. तो यही मेरा सारे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस था. सब बच्चे को जाते जाते बोल रहे थे कब आओगे वापस. एक बच्चा तो बोल रहा था आप हमें तारीख दो, हम आपके लिए सब रेडी करके रखेंगे, रहना पीना, रहना खाना पीना सोना सब, आप सिर्फ तारीख दो. थैंक यू.